नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। कर्नाटक के सीएम बुम्बई का कांग्रेस पर हमला, कहा करीब 60 सीटों पर उनके उम्मीदवार बेकार, पार्टी पूरी तरह हारेगी। संजय राउत का दावा, 2024 के बाद देश में सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा के हिंदुत्व को बताया फर्जी। डीएमके ने राज्यपाल आर्यन रवि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान, कहा उन्होंने लाखों लोगों का अपमान किया। एनसीईआरटी का सिलेबस बदलने पर सियासत तेज, केरल सीएम विजयन बोले मुगलों के बिना इतिहास अधूरा। ओडिशा के विपक्ष ने की सीएम के जापान दौरे की निंदा, कहा नवीन पटनायक के नेतृत्व में छुट्टियां मना रहा है प्रतिनिधिमंडल। प्रयागराज में अति की पत्नी शाइस्ता पर 50,000 का इनाम, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, विदेश यात्रा से लौट रहे लोगों की जांच अनिवार्य, पॉजिटिव सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। मेरठ में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग, 8 लाख का माल जलकर राख हो गया, 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ। कानपुर देहात कोर्ट में 30 साल तक चली सुनवाई, कोर्ट ने माना दोषी, लूट की योजना बनाने वालों को 7 साल की जेल, 2,000 जुर्माना भी लगाया। कोशीनगर में अवैध बालू खनन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, खनन कर स्टोर किया बालू, नदी में कराया डंप, खनन माफिया मौके से फरार। देहरादून में हुआ बड़ा हादसा, कालसी सैया रोड पर खाई में गिरी कार, 3 की मौत और 1 हुआ घायल। त्यौड़ी में हुए भीषण अग्निकांड के शिकार हुए 4 मासूम में से 3 बच्चे के जले शव मिले, देखते ही बिलख पड़े परिजन, कपड़ों और शरीर के अंगों से की गई पहचान। पीसीएस परीक्षा में देहरादून की बेटी आकांक्षा गुप्ता ने टॉप 10 में बनाई जगह, बिना कोचिंग पाई 4th रैंक। पहाड़ों की रानी मसूरी में वीकेंड पर उमड़ा पर्यटकों का हुजूम, लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम, 80% होटल हुए पैक। ऋषिकेश में गंगा में राफ्टिंग के दौरान हुआ हादसा, बंगाल में तैनात आईएएस अधिकारी का शिक्षक भाई गंगा में डूबा। पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर कर्ज देगा सऊदी, आईएमएफ से लोन की उम्मीद, वित्त मंत्री को मीटिंग के लिए यूएस जाने की फुर्सत नहीं। भारत पर नजर रखने श्रीलंका में चीन बनाएगा रडार बेस, अमेरिका ब्रिटेन की भी निगरानी मुमकिन। पाकिस्तान में हिंदू सांसद पर धर्म बदलने का दबाव, दानिश बोले साथी सांसद कहते हैं कलमा पढ़कर मुस्लिम बन जाओ। गाजा पर एयर स्ट्राइक का बदला, इजराइल में महिलाओं की गाड़ी पर गोलीबारी में 2 की मौत, कमिश्नर बोले लोग हथियार साथ रखें। शहबाज शरीफ ने खारिज किया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दबाव बनाने के लिए लेंगे सेना का सहारा, 2 प्रांतों में चुनाव कराने का था आदेश। शादी के बंधन में बंधी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान दूल्हे ने शगुन में लिया केवल 1 रुपया। आईपीएल मैचों के लिए धर्मशाला स्टेडियम तैयार, 17 और 19 मई को खेले जाएंगे मुकाबले, पहली बार बरमूडा में खास पर खेलेंगे खिलाड़ी। लखनऊ की टीम से अमित मिश्रा को मिला डेब्यू का मौका, साल 2021 में खेला था पिछला आईपीएल मुकाबला। लॉर्ड शार्दुल ने खेली शानदार पारी, किंग खान ने भी खड़े होकर सम्मान दिया, वीडियो हुआ वायरल।
आरसीबी का नाम सुनते ही लाइव शो छोड़कर चली गई डिविलियर्स की पत्नी, झगड़े का बीच हुआ वायरल। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।